कुछ टिप्स देने की आपने बात कही थी भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को, ताकि उनका बेड़ा पार हो जाए इसमें 2024 में, कुछ दिए क्या टिप्स? कौन से दिए? मुख्यमंत्री जी से मैंने काफी जो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे पार्टी को और काम करना है, ऐसी बातें मैंने कही हैं। सारी वो राजनीतिक बातें हैं और चुनाव को सामने रख के करने वाली चीजें। 30 जनवरी को ये भारत जोड़ो यात्रा जो है ना, वो समापन हो रही है, कश्मीर में कर रहे हैं। खड़गे जी ने पूरे विपक्ष को आमंत्रित किया है, क्या मायने निकाले जाएं इस चीज के? देखिए, इसके वैसे तो 30 तारीख को जब समापन होगा उनकी यात्रा का, उसमें ये होता ही है कि सबको, क्योंकि 3,500 किलोमीटर कोई चल के आए तो सभी को कहेगा भाई आओ, आप भी आओ, आप भी आओ। लेकिन दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि कांग्रेस को आज भी ये लगता है कि हम अकेले चुनाव में बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते, और इसलिए एक प्रयास शायद उन्होंने किया है कि इस यात्रा के अंतिम चरण में अगर पार्टियां आती हैं तो शायद कोई जो एक विपक्ष को मिलके लड़ने की बात है वो कहीं ना कहीं उनके सामने होगी। तो हो सकता है मुकाबला इस तरह से विपक्षी पार्टी आ जाएंगी, क्योंकि ईगो बहुत है रीजनल पार्टियों में। रीजनल पार्टियों की ईगो की बात नहीं है, रीजनल पार्टियों का अपना एक एजेंडा होता है जो राष्ट्रव्यापी एजेंडे का हिस्सा नहीं होता, क्योंकि रीजनल पार्टियों में जो वोटर की एस्पिरेशन है उनको स्वाभाविक रूप से अगर स्वीकार कोई करता है तो रीजनल पार्टी ज़्यादा कर सकती है। लेकिन राष्ट्रव्यापी जो समस्याएं हैं या राष्ट्र के निर्माण की जो बातें हैं, वो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो राष्ट्रीय दल ही सोच सकते हैं, क्योंकि उसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय दल की जिम्मेवारी भी होती है। अच्छा, मार्च में आप कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कुछ रूप, क्या है उसका उद्देश्य? मार्च का कार्यक्रम तो मैं बता चुका हूँ वैसे, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि 75-76 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, कुछ ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जो आज़ादी से पहले भी थी अब भी हैं, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो भुखमरी है, चाहे वो भ्रष्टाचार है, चाहे वो गरीबी है, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे मैं ये तो नहीं कहता कि किसी सरकार ने काम नहीं किया, जो भी सरकार आई चाहे केंद्र में आई चाहे हमारे हरियाणा में आई या जब हम हरियाणा से पहले पंजाब का हिस्सा थे, तो इन समस्याओं को निपटाने के लिए, इनका निदान करने के लिए बातें हुई और काम भी हुए, लेकिन अभी भी वो समस्या यों की यों मुँह बाए खड़ी हैं। और मैं ये समझता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने खुद जैसे कहा है कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान जोड़ दिया, तो मैं उस अनुसंधान को लेके कुछ ऐसे मुद्दे जिनका मैंने अभी जिक्र किया उन पर नए तरीके से क्या अनुसंधान के माध्यम से उनको मूल रूप से ख़त्म करने के लिए, जड़ से मिटाने के लिए, गरीबी को जड़ से मिटाने के लिए, भूखमरी को जड़ से मिटाने के लिए, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे मैं 23 मार्च को शहीदी दिवस पे लोगों के विचार जान के अपने विचारों से और इन समस्याओं के समाधान में जो कोई अर्थशास्त्री है, कोई कृषि का अर्थशास्त्री है, कोई विदेश नीति का एक्सपर्ट है, इन सब से सलाह करके कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे जहन में भी हैं और काफ़ी हैं उन पे क्या हो सकता है, जिसको हम अनुसंधान के माध्यम से ये कहें कि ये कर लो भले आदमियों, अगर ये चीजें बिठानी है। आपके दृष्टिगत हरियाणा सरकार को कितने नंबर देंगे आज? नंबरों में मैं विश्वास नहीं करता, और मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ये पूछने की बात ही नहीं है। हरियाणा में अगर नंबर लेने या देने है ना, ये आपने पूछना है तो इलेक्शन से 6 महीने पहले पूछना। अच्छा, एक सवाल हो रहा है। राहुल गांधी का विजन बहुत अच्छा है निस्बत के मोदी, हालांकि वो अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आपने तो कांग्रेस में जिया है, कांग्रेस के साथ रहे हैं, क्या लगता है?
हरियाणा में कांग्रेस की इस यात्रा से कितना लाभ हुआ है? पूछ लो। हाँ वो बताओ राहुल गांधी वाला। देखिए राहुल गांधी का ये जो प्रयास है इसमें उन्होंने अपने आप को भी कुछ इम्प्रूव किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। इम्प्रूव जो आप पूछ रहे थे वो कि दूसरी बात यह है कि कांग्रेस सिकुड़ती हुई पार्टी थी और जिसका मैं ये कहूँ कि देश की सबसे पुरानी पार्टी और सिकुड़ के वो अपना जो नेशनल कैरेक्टर था वो भी खतरे में पड़ गया था। तो राहुल गांधी की ये यात्रा इसी बात का प्रतीक है कि एक प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक पैन इंडिया पार्टी बरकरार रहे। बाकी मैंने जैसे शुरू में कहा कांग्रेस पार्टी की आज ये तो स्थिति नहीं है कि वो बीजेपी से अकेला मुकाबला करे। हुड्डा तो बहुत कॉन्फिडेंट है, भूपेंद्र हुड्डा तो बहुत कॉन्फिडेंट है। भूपेंद्र हुड्डा कॉन्फिडेंट तो हर कोई होगा जो जो राजनीति में, कोई ये थोड़ा कहता है कि मैं तो कॉन्फिडेंट नहीं। ही विल से कि गवर्नमेंट आएगी कांग्रेस की। कांग्रेस की आएगी जब ना, मैं ये कहूँ कि भूपेंद्र हुड्डा कॉन्फिडेंट, उस छोटा कांग्रेस का वर्कर भी आप किसी पार्टी के साथ है तो इसीलिए है ना कि उसकी सरकार आएगी, तो इसलिए ये कहना कोई शुरू कर दे ना जी मेरा तो भट्ठा बैठ गया। अच्छा बीजेपी या कांग्रेस 24 में बीजेपी या कांग्रेस हरियाणा में? हरियाणा में आपके अनुभव से? मैंने आपको नंबर हरियाणा में, मैंने आपको नंबर पे जवाब दे दिया। प्रिडिक्शन क्या है? मैंने बताया नंबर पे जवाब दे दिया। मैं प्रिडिक्शन भी 6 महीने पहले करूंगा और वो यूं की यूं ठीक ना जाए तो मेरे को पकड़ लेना, आज मैं नहीं करता। थैंक यू।